हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्नल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपकी बिलिंग को बनाएगा आसान। तो ये कर्नल एक जीएसटी बिलिंग एप्लीकेशन है जो कि आपकी बिलिंग को आसान बनाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे साइन अप करना होगा रजिस्टर करने के लिए। तो आपको यहाँ पे साइन अप बटन पे जाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करने का ऑप्शन आएगा। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके आप अपना फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं जो कि 14 डेज का हो सकता है। बट मेरा ऑलरेडी लॉगिन यहाँ पे बना हुआ है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली साइन इन करूंगी और मेरे यहाँ पे आईडी मेंशन है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे साइन इन करती हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे साइन इन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन ओपन होके आ गई है। मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से कर्नल के थ्रू अपनी बिलिंग को इजी वे में कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग में जाके अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लेना है। कंपनी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है। आप कंपनी का लोगो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप यहाँ पे ऑलरेडी की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। बैंकिंग इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं और ये सारे चेंजेस करके आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। आप अपना ईमेल इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं ताकि जो भी आपके इन्वॉइसेज हों वो आपके ईमेल के थ्रू ही आपके कस्टमर्स को मिले। ये सारा कुछ करके आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने यूजर्स को भी एक्सेस दे सकते हैं। जैसा कि आपने ये सॉफ्टवेयर लिया है, आप इसको यूज़ कर रहे हैं, बट आप अपने अकाउंटेंट को, अपने एम्प्लॉय को भी इसको शेयर करना चाहते हैं फॉर एडिट और व्यू पर्पस, तो यहाँ पे आप आईडी मेंशन करके उनको इनवाइट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने एक कलीग को इनवाइट किया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल मेंशन कर सकते हैं जो कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी और सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अपने हर एक डॉक्यूमेंट एक ही प्लेस पे रख सकते हैं। यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं टैक्स इनवॉइस, डिलीवरी चालान, परफॉर्मा इनवॉइस, कोटेशन और एस्टिमेट। तो मैं जल्दी से आपको एक टैक्स इनवॉइस बना के दिखाती हूँ कि यहाँ पे टैक्स इनवॉइस बनाना कितना ईजी है और कितनी फास्ट आप एक टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर डिटेल और प्रोडक्ट डिटेल ऐड की हुई है। मैं आपको एक बार जस्ट फास्ट व्यू करवा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कस्टमर ऐड किए हुए हैं, आप ऐड न्यू कस्टमर भी कर सकते हैं और इम्पोर्ट भी कर सकते हैं डेटा। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन मेंशन करके आप कस्टमर को ऐड कर सकते हैं, उनकी बिल टू और शिप टू डिटेल मेंशन करके, जैसे कि मैंने ऑलरेडी की हुई है। ऐसे ही आप जो आपके प्रोडक्ट्स हैं आप उसको मेंशन कर सकते हैं, स्टॉक आप उनका चेंज कर सकते हैं। आप जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जीएसटी रेट मेंशन करने का ऑप्शन है, एचएसएन का भी ऑप्शन है, सेकेंडरी यूनिट अवेलेबल है, लो स्टॉक वार्निंग क्वांटिटी अवेलेबल है और आप यहाँ पे एक फाइल भी अटैच कर सकते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो अभी हम एक टैक्स इनवॉइस जनरेट करते हैं। हम टैक्स इनवॉइस पे जाते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमारी कंपनी की डिटेल आ जाएगी जो कि हमने फिल की हुई है पहले से ही। और यहाँ पे देखिए जो ये डॉक्यूमेंट नंबर है ये ऑटो जनरेटेड होता है सेटिंग्स के अकॉर्डिंग, बट फिर भी अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये आपकी डेट, पेमेंट डेट, जो आपकी ट्रांजेक्शन टाइप होती है अकॉर्डिंगली आप मेंशन कर सकते हैं। व्हीकल नंबर तो आप मेंशन कर सकते हैं। पेमेंट मेथड में यहाँ पे आपको कुछ मेथड दिए गए हैं जैसे कि अदर, कैश पेमेंट, बैंक ट्रांसफर और यूपीआई। यूपीआई अगर आप चूज करते हैं तो आपको क्यूआर कोड बना हुआ आता है जो कि आपके कस्टमर स्कैन करके पे कर सकते हैं। आपको ऊपर का पार्ट हो गया। अब जैसे कि मुझे अपना बिल करना है अर्णव एंटरप्राइजेस को, तो मैंने यहाँ पे अर्णव एंटरप्राइजेस जैसे ही लिया, आप देख सकते हैं कि शिपिंग में भी सेम डिटेल आ गई है। यहाँ पे ग्रीन टिक आप देख रहे हैं, शिपिंग एड्रेस सेम है बिलिंग एड्रेस। बट अगर किसी भी केस में आपका शिपिंग एड्रेस बिलिंग एड्रेस से डिफरेंट होता है तो आप कभी भी उसको यहीं से एडिट कर सकते हैं। आपको बैक जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको अनटिक कर सकते हैं और एड न्यू शिपिंग इन्फो आप यहाँ से कर सकते हैं। बट अभी के केस में हम दोनों इन्फॉर्मेशन को सेम रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आइटम कोड आइटम डाल सकते हैं, जो भी आपको आइटम सेल करना है। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे आइटम डाला, जो भी इन्फॉर्मेशन फीड की हुई थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पिक कर लेगा और आपको यहाँ पे स्टॉक भी शो कर देगा जो आपके स्टॉक में अवेलेबल है, जितनी भी क्वांटिटी। जीएसटी मैंने ऐड किया हुआ था तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो ऐड होके आ गए। और ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारा जो इनवॉइस का वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिलेगा कि उसमें जीएसटी कितना इंक्लूड हो रहा है, टोटल कितना आया है। अगर आप कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं। उसके बाद अगर कस्टमर ने कोई एडवांस पेमेंट की है तो आप यहाँ पे एडवांस पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर ड्यू पेमेंट आपको आ जाता है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन या फिर नरेशन आप मेंशन कर सकते हैं। आप अपने सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और आप स्टैम्प अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी कंपनी की बैंकिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको आ रही है ऑलरेडी, और आप जस्ट इसको फिनिश करिए तो आप देखेंगे कि आपका टैक्स इनवॉइस जनरेट होके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको
विदिन 2 मिनट्स आपका टेक्स्ट इनवॉइस जनरेट होकर आ जाता है। आप इस फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे एक जो बहुत अच्छा फीचर दिया गया है वो ये है कि आप इस टैक्स इनवॉइस को कभी भी किसी भी टाइम पे डिलीवरी चालान परफॉर्म इनवॉइस या कोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको सेपरेटली बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका इनवॉइस कन्वर्ट हो जाता है फिनिश करने पे। आप इस इनवॉइस को प्रिंट एंड डाउनलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन से। आप अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप और वाया ईमेल, और आप इसको रिकरिंग इनवॉइस भी बना सकते हैं। रिकरिंग इनवॉइस बेसिकली होता है कि अगर आपका कोई कस्टमर आपसे हर मंथ ट्रांजेक्शन करता है उसी सेम इनवॉइस को लेकर, तो आप उस इनवॉइस को रिकरिंग मार्क कर सकते हैं, नया भी बना सकते हैं। तो आपको हर मंथ बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिकरिंग इनवॉइस ऑटोमेटिक आपका जनरेट होकर आपके कस्टमर को सेंड हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ रिकरिंग इनवॉइस, यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी शेड्यूल किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट किया हुआ है, शेड्यूल किया हुआ है, और ये ऑटोमेटिक ही कस्टमर को सेंड हो जाएगा आफ्टर मेकिंग। आप इसमें नया भी कर सकते हैं या फिर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपको सारे इनवॉइसेस शो होते हैं, जितने भी आपने इनवॉइस बना रखे हैं उसका स्टेटस आपको यहाँ पे शो करता है। और आप सेपरेटली देखना चाहते हैं तो आप पेड इनवॉइस देख सकते हैं, अनपेड, ड्राफ्ट, ओवरड्यू, इस तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पे आप फिल्टर लगा के भी देख सकते हैं। ये आपको ओवरड्यू स्टेटस बताता है, आपका रेवेन्यू क्या है इस मंथ का ये बताता है, अगले 7 दिनों में ड्यू कितना होने वाला है, और एवरेज पेमेंट टाइम क्या है, यहाँ पे ये आपको पता लगता है। ई वे बिल और ई इनवॉइस भी आप बना सकते हैं कर्नल के थ्रू अपने GST क्रेडेंशियल्स को कनेक्ट करके। आप अपनी कंपनी के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एक्सपेंस रिकॉर्ड किए हुए हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे आपकी लास्ट मंथ और करंट मंथ के एक्सपेंसेस को कंपेयर करके आपको रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है। और यहाँ पे रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितना आपका रेवेन्यू हुआ और उसके अगेंस्ट पे कितना आपने रिसीव किया, ये आपको एक मैप के थ्रू दिखाया जाता है। आपकी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी की रिपोर्ट दिखाई जाती है, कस्टमर से कितना इनकम हुआ, आपका रिसीवेबल का एज क्या है, और मंथली रेवेन्यू ब्रेकडाउन की रिपोर्ट दिखाई जाती है। आप मोर इन्फो के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और आप प्रोडक्ट का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। थैंक यू।